अज दोबारा फिर जी सरहद फीडर तोड़ ते पहुंचे हाँ। आ मौजूदा हालात ने सरहद फीडर नहर दे असी तुहानू कुछ नहीं कहना भी किन्ने दिन लगन गए। आ जिथे असी खड़े हैं इतने बराबर इन्होंने पटड़ी लियानी है। अज 11वां दिन नहर टुट्टी नू होया ते तुसी देख लो भी किन्ना कु काम चल रहा है। वो परले पासे भी तुसी देख सकते जे इस तो बाद इन्होंने सारी मिट्टी की कटाई करके बाद नहर जी पक्की तैयार करनी है। मंत्री साहब जेडे साडे सिंचाई मंत्री सी ब्रह्म शंकर जिप्पा जी तो बीबी बलजिंदर कौर जी और चार MLA साहबान की मौजूदगी में वादा करके गए थे कि ये जी नहर है वीरवार को तुहाडा पानी छड्ड दिता जाएगा, 7 दिन च तुहाडी नहर तैयार हो जाएगी। असी कोई लोगों को भड़काउण नहीं आए, असी मंत्री साहब के वादे के पूरे टल सी भी मंत्री पंजाब के एक मंत्री का वादा सी वह भी मौजूदा जिहड़ा नहरी विभाग का सी। अज असी आए हाँ कल मंत्री साहब का वीरवार का वादा सी ते वह साडे कोल लाइव उन्होंने उदो वादा लिया सी। आ देख लो हालात जिहड़ी मौके दे हालात ने बड़ी दुख की गल है भी जिहड़े साडे बाग ने बाग साडे अबोर दे पट्टे जा रहे ने। सरकार एक पासे कह रही रुख लाओ तापमान वधाओ तापमान जिहड़ा घटाओ पर दूजे पासे साडा जिहड़ा एरिया खेती का तबाह हो ही रही है पर अफसोस साडे कोल पीण जोगा पानी भी नहीं मिलना जो मौजूदा तुहानू हालात दिखा रहे हैं। ये दूजी बार नहर टुट्टी 364 करोड़ का प्रोजेक्ट दसिया जा रहा है, 70 दिन नहर चली नहीं। उदो जो टुट्टी नहर उदो भी इहदा मेरे हिसाब नाल जिड्डा जुगाड़ है घट्टो घट 2-2.5 करोड़ रुपया इन्होंने नहर बनने का लिया होना। उस तो बाद दोबारा फिर नहर टुट गई हूँ यह भी 2-3 करोड़ का हो सकता भी प्रोजेक्ट हो सा जरा सरकार दावे करती है कि खजाना खाली है। उदो संधवा साहब ने भी कहा कि खजाना की करे, खजाना खाली होना ही है जो नहर भ्रिष्टाचार की भेट चढ़ जाए। एक SC मुअत्तल करके सरकार ने गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ती, कोई वड्डी हाई लेवल इनकुआरी नहीं बिठाई जिहड़ा कि बड़ी अफसोस की गल है। आ नहर के हालात तुसीं आप देख लो, असी कुछ नहीं कहना। जिथे असी खड़े हाँ वीरो इत्थे नहर दी पटड़ी आनी है, तुसीं आप देख लो आप ये नहर उस तो बाद पक्की तैयार होनी। एक गल जिहड़ी मैं मेन कहनी चाहना भी मान साहब थोड़ा जिहा स्टैंडर्ड रखो, स्टैंडर्ड विखाओ सरकार का। 1 किलो जिहड़ा रेता जलालाबाद च विचारे ते एक गरीब इंसान ते 5 किलो रेते ते केस दर्ज हो गया पर अफसोस 364 करोड़ प्रोजेक्ट की जिहड़ी नहर दूजी बार टुट गई। इलाका जिहड़ा साडा तबाह हो रहा है, लोग जिन्होंने झोने वालियां पनीरियां नूं सेम वाला इलाका पानी जिहड़ा साडे पनीरियां नूं लगन योग नहीं उन्होंने पानी लाउणा सी, नरमे साडी बिजाई रह गई। साडा की कसूर, कसूर तो जिन्होंने इन्हां घपले बाजां दा जिन्हां दे करके साडा एरिया तबाह होया, साडा इस विच कोई कसूर है। कई भरा कहिंदे ने किसान नूं दरियां बिछाउण दा शौक है, किसान मंगदे ने। कई साडे इलाके दा किसान मैं उहदा नां लै के उहनूं ज्यादा भी तवज्जो नहीं दियांगा, उह गंद बाक रहा बड़ा बदवान मैं और टब्बर भी मैनू पागलों का लगता, उन्हें यह समझ होनी चाहिए इन्हें किसानों का की कसूर है। नहर जी घबलेबाजा ने खा लिया, दिखा सारी मेरे वाले ना कर इधर दिखा, हजे काम जरा चल रहा है तुसी आप देख लो। किसान की करने थे, किसान कोल इस टाइम जेडे बाग पट्टे जा रहे जेड़ा किसानों का नुकसान हो रहा बजाइया रही उनकी भरपाई का जिम्मेवार कौन है। आ तुसी सारे हालात देखो, अज 11 दिन हो गए ने सारा दिखा थलों नहर टुट्टी नूं ते मंत्री साहब का कल वादा सी वीरवार का भी नहर तुहाडी चल जाएगी। मैं कुछ नहीं अज कहना भी किन्ने दिन लगणगे, मैनू लगता भी मई तो महीना भुल जो, पर मैं नाल ही किसान वीरां नूं अपील करांगा हुण वध तों वध जिन्ने देखते पैणे वीडियो शेयर कर दिओ मेरे वीरो, मैं अपील करांगा तुहानूं दिन शुक्रवार 9:30 बजे अनाज मंडी हबोर विच वड्डी पद्धर ते पहुंचो। जिन्ना चिर किसान नहीं जागणगे उत्थे कोई गल नहीं बननी। सियासी लीडर कल्ले ते कल्लियां फोटोआं खिचाउण आउंदे ने जिन्हां नूं असीं 70-75 सालां तों वोटां पाईआं सी, उहनां लीडरां दे मूंहों वी नहीं गल निकली वी नहर क्यों टुट्टी कि ऐं लगदा वी उह वी किते ना किते इस नहर दे विच शामिल ने, बोलदे नहीं। अज मैं
किसान वीरां नूं अपील करांगा पार्टी बाजी तों उपर उठ के गुलामियां छड के आपदे हक्कां लई परसो भरावो हबोर पहुंचो। जे तुसीं ना आए जिहड़े हालात बन चुके ने इह नहर तुसीं मैनूं नहीं लगदा वी मई महीने विच छड देण, पर साडा बागां दा एरिया तबाह हो जाएगा। जिन्हां विचारां ने झोनिया सेम वालियां पैड़ियां च उन्हां दियां पनीरियां वह भी तबाह हो जाएंगे, जिहड़े नम्मे वाले बिजाई तो रह गए वह भी तबाह हो जाएंगे। जिहड़े इहनां जिम्मेवार कौन, ये भी सरकार नूं तय करना पएगा। साडू कोई मान सरकार नवीं बनी है, कोई सानू शौक नहीं होंदी बदनामी करन दा। असीं भी समझदे हां वी आम घर दा जिहड़ा आम घर चों उठ के मुख्यमंत्री बनिया, पर अफसोस इस गल दा कि मान साहब दे दबाअ की है, क्यों एडा वड्डा घपला होया होवे ते हजे तक सिर्फ एसी मुअत्तल कीता होवे। ते दूजे पासे जलालाबाद विचों 5 किलो रेते ते एक किसान ते परचा दर्ज हो गया, एक जेल सुपरटेंडेंट तो 50 किलो नींबू घोटाले ते एड्डी वड्डी खबर बन गई, पर अफसोस 364 करोड़ वाले प्रोजेक्ट ते कोई खबर ही नहीं बनी। बड़ी एक शर्म वाली गल है, जिस मौजू जे असी मुख्यमंत्री से सवाल करने ने, क्योंकि मौजूदा सरकार है वो सरदार भगवंत सिंह मान की, सारी सरकारी मशीनरी उन्हें अंदर है। मैं कहना जे कार सेवा वाले बाबे होंगे ना, उन्होंने हाथ जोड़ देंगे, बाबा जी साड़ी सुनो आ नहर तैयार करो, तिचे दे नहर तैयार हो जानी सी। आ देख लो असी उत्ते खड़े हाँ, इतों तक मिट्टी आनी है, घट्टो घट आ किन्ने फुट होगा, 20 फुट थलो आना उच्चा चक के मिट्टी, तो तुसी देख लो किन्नी कोई मिट्टी पई है। की हालात ने वीरो, जागो उठो, 11 दिन हो गए ने। मैं अपील करना किसान वीरो, जां तां संगल पा लो ते बागां नूं इहो हालात रह गए ने, क्योंकि जिहड़े तुहानूं आपां नूं पता लग गया, ते जां फिर आपदे हक्कां लई छड़क ते आ जाओ। सरकारां नूं एवें नहीं पता लगना, क्योंकि इह रोज रोज आ जिहड़ा भ्रिष्टाचार दी भेट है इह किसानां तों बर्दाश्त नहीं होणे हुण। आ तुहानूं फिर लाइव दिखा रहा, वध तो वध देख लो काम किवें चल रहा है। अज सच आओ जिहड़ा राजस्थान का काम देख रहे जी, अज सिंचाई मंत्री राजस्थान का भी आया सी, जिहड़ी मीडिया ने उदन गल बनाती इन्हें मंत्री नूं धमकी देती, ते कुछ साडे किसान वीर ही मेरे ते लाइव हो गए भी इहदे उपर तां वी ते कार्रवाई होनी चाहीदी। ओ वीरो मैं उस मंत्री नूं सच बयान कीता सी, मंत्री साहब जे साडे इलाके दे जिहड़े हालात चल रहे ने ये भ्रिष्टाचारियों की कार्रवाई ना हुई, आ नहर च जल्द पानी ना छड्या तो साडा इलाका तबाह हो जाएगा, तो तुहाडे एमएलए के कपड़े नहीं छड्डने, मैं सच्चाई दसी सी। तो जिहड़े हालात दीदे पैणे ये हालात इवें ही जे रहे तो किसानां दा रोस वधेगा घटना नहीं। मैं अपील करना वध तो वध वीडियो शेयर कर दिओ। परसों दिन शुक्रवार 9:30 सवेरे अनाज मंडी विच वध तो वध किसान वीरों पहुँचो, ता जो आप सरकार नूं जगाइए भी मंत्री साहब तुहाडा जिहड़ा वादा सी कोई थले नहरी महकमे ने पूरा नहीं किया, साडा एरिया उजड़ रहा।